ना बिजली ना मथनी, बिना मेहनत मिनटों में बनाएंगे मलाई से मक्खन, मक्खन से दुगना देसी घी, एकदम नए और सीक्रेट तरीके के साथ। नया तरीका देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुधुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो यहाँ हमने गैस चलाकर भगोना रख दिया। इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पानी और यहाँ हमने पैकेट वाला दूध लिया है, अमूल गोल्ड दूध है, फुल मिल्क क्रीम दूध है। 2 पैकेट यानी कि 2 लीटर दूध इसमें हम डाल देंगे। तो अक्सर आप बार बार पूछते हैं कि आप कौन से दूध का यूज़ करती हैं, तो मैं पैकेट वाले दूध का यूज़ करती हूँ। इस तरीके से हमने 2 लीटर दूध को भगोने में डाल दिया। थोड़ा सा पैकेट को काट करके पानी डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पर उबलने देंगे। तो इस तरीके से दूध को उबालने से दूध तली में नहीं लगता और जलता नहीं है और दूध को हम मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही दूध ऊपर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे हम चलाएँगे नहीं और ना ही हम फूंक मारेंगे, बस थोड़ा सा पानी का छींटा इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। 1 से 2 बार मारेंगे पानी का छींटा इस तरीके से तो दूध जो है नीचे चला जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दूध को हमें चलाना नहीं है और फूंक नहीं मारना है, नहीं तो दूध जूठा हो जाता है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक इस तरीके से पकाएंगे। 10 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे और इस तरीके का हम सूती का कपड़ा लेंगे या फिर मसलिन का कपड़ा लेंगे और ढककर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास इस तरह का जाली है तो इस जाली का भी यूज कर सकते हैं। ये जाली छोटी थी इसलिए मैंने इसको नहीं रखा। और जब दूध ठंडा हो जाएगा तब इसे हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो 24 घंटे के लिए रख देंगे तो मलाई की मात्रा ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ हमने देखिए 12 घंटा रखा, थोड़ा सा पतली मलाई जमी है और जब आप रात भर इस तरीके से रख देंगे थोड़ी सी मोटी मलाई इसमें आ जाएगी। तो हमने दूध का प्रयोग पहले ही कर लिया था इसलिए मलाई थोड़ी कम जमी है। अगर आप दूध का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मलाई मोटी जमती है। और इस देखिए मलाई को हमने किनारे रख दिया और यहाँ हमने लगभग 7 से 8 दिन का मलाई लिया हुआ है, इसका हम मक्खन बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हल्के हाथ से फेंटेंगे। इसमें ना दही मिलानी है आपको और ना ही कुछ चीज़ें और मिलानी है, बस हाथ से इस तरीके से फेंटिएगा और ये देखिए ये जम जाएगा इस तरीके। जब आप फ्रीज में रख देते हैं मलाई को ना, तो उसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जब जम जाएगा ऐसे ही हाथ से गोल गोल फेंटेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इस तरीके से हमें मक्खन को उठाना है और हल्के हाथ से फेंटना है। तो इस तरीके से मक्खन बन जाएगा और इसमें से छाछ निकल जाएगा इस तरीके से। देखिए छाछ निकलना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे समेट करके गोला बना लेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से मलाई से मक्खन बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मलाई से मक्खन बनाना होता है तो मलाई को थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज से बाहर निकाल दीजिएगा। तब इसे मैं गोला बना लूँगी। ये देखिए कम समय में काफ़ी आसान तरीके से। तो अभी इसमें आप पानी नहीं डालिएगा, तो ये हमने इसमें दही नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम दही जमा लें तो जो दूध निकला है इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा और इसमें आप 1 से 2 चम्मच दही डाल करके यानी जामुन डाल करके इसका दही बना लीजिएगा। और उसके दही से आप कढ़ी बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। और इस मक्खन को आप 2 से 3 बार साफ पानी से धुल लीजिएगा। धुलने से क्या होगा, खुरचन की मात्रा कम निकलेगी। और इसे आप 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। यहाँ हमने गैस चलाकर कढ़ाई रख दिया और ये देखिए मक्खन को हमने 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दिया था। इससे क्या होता है ना कि देसी घी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा निकलता है। तो आप जब भी मक्खन बनाइएगा तो उसे 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। देखिए काफ़ी जमा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें का दूध जो है छान कर हम हटा देंगे, जो नीचे तले में बैठा हुआ है बोल में, इसे किनारे रख देते हैं। और मक्खन को हम थोड़ा सा गलने देते हैं तो ये जल्दी से गल जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से इसे हम काट देंगे मक्खन को, यानी कि थोड़ा सा मिला देंगे तो जल्दी से ये गल जाएगा। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ही कम समय में ये मक्खन से देसी घी बन जाता है, तो लगातार चलाते हुए इसे पकाइएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने से देसी घी का कलर अच्छा आता है और खुशबू काफ़ी अच्छी आती है और ये देसी घी ख़राब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना जल्दी चेंज हो गया।
अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच से कम थोड़ा सा चीनी। चीनी डालने से देसी घी कभी ख़राब नहीं होता है, कलर अच्छा आता है और घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा निकलता है। अब इसमें हम पानी का छींटा मार देंगे घी को रवादार बनाने के लिए। तो इस तरीके से ना एक बार छींटा मार करके इसे आप चला दीजिएगा, फिर थोड़ा सा छींटा मार दीजिएगा। इसी तरीके से 2 से 3 बार छींटा मारना है और इस घी को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि घी अगर हम नहीं चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा और ये कढ़ाई के तले में भी बैठ जाएगा। तो इस स्टेज पर आप घी को लगातार चलाते हुए जब पकाएंगे तो घी अच्छा भी बनेगा और जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब आप इसका कलर देख सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ये झागदार हो गया है। जो हमने चीनी डाला है ना उससे घी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से जब ये झाग जो है ना थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम गैस बंद करेंगे। इस तरीके से आप घी को देख लीजिएगा। तो अभी आप इसको देख रहे हैं कि घी का कलर हल्का है और ये जो झाग है यानी कि खुरचन है उसका कलर अभी हल्का है, तो थोड़ा सा इसे आप पका लीजिएगा। अगर घी कच्चा भी रह जाएगा यानी कि बहुत पहले आप बंद कर देते हैं, अच्छी तरह से नहीं पक पाता है, तो उस घी से स्मेल आने लगती है। गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद कटोरा लेंगे और इस घी को छान लेंगे। तो अभी हम कटोरे में इसे छान रहे हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना कांच के जार में भर करके रख देंगे या फिर चौड़े मुँह वाले स्टील वाले बर्तन में रखेंगे। उससे हमें ये सुविधा होती है कि ठंडी के दिन में घी गर्म करके निकालने में आसानी रहता है, लेकिन कांच के बर्तन में अगर हम रख देते हैं तो उसे गर्म करने में भी दिक्कत होता है और घी निकालने में भी दिक्कत होता है। तो इस तरीके से जब घी ठंडा हो जाए तो आप स्टील के बर्तन में भर करके रख दीजिएगा। तो अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये घी ठंडा हो गया है और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया हुआ है। और ये घी काफ़ी रवादार है, मार्केट से बेहतरीन घी आप घर पे बना सकते हैं कम समय में और काफ़ी आसान तरीके से, बस छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रख करके। और इस घी को आप बनाने के बाद 2 से 3 साल तक स्टोर करके रख देंगे तो ये घी कभी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से इस देसी घी को एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। पूजा पाठ हो या फिर घर में कोई सा भी प्रोग्राम हो, इस घी को एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाएंगे। इसमें ना ही आपको कोई इलायची डालना है और ना ही पान का पत्ता डालना है। तो जो घी का खुरचन बचा था इस तरीके से हम गुड़ को पिघला लेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा खुरचन बचा करके आप 7 से 8 बार भी घी बनाते हैं तो उसे रख दीजिएगा और इसमें इस खुरचन को डाल देंगे। तो हमने 3 से 4 बार घी बनाया था उसका खुरचन को इस तरीके से प्रयोग किया। गुड़ को पिघला लेंगे और इसमें हम थोड़े से कटे हुए मेवे को भून लेंगे पहले देसी घी में और डाल देंगे। तो यहाँ देखिए हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल को भी भून लिया था, इसे भी डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब भी आप खुरचन बनाएं ना इस तरीके से निकले तो उसे आप फ्रिज में रख दीजिए और जब ज़्यादा हो जाए तो इस तरीके का रेसिपी बना लीजिएगा। सबको मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और थोड़ा सा सौंठ पाउडर, क्योंकि ठंडी का समय चल रहा है, इससे इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो इसमें हमने काजू बादाम और जितने बीज वाले हैं मेवे उतने डाले हैं और साथ में इसमें हमने अलसी भी डाले हैं यानी कि तीसी जिसे कहा जाता है उसे भी हमने डाला है। अरे सारे और मेवे को हमने भून करके डाला है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सभी मेवे को भून करके डालना है, कच्चा किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से लड्डू आप अपने हिसाब से छोटा भी बना सकते हैं या फिर बड़ा भी बना सकते हैं। और इस लड्डू को बनाने के बाद आप महीनों तक स्टोर करके रखिए, खाइए, ये कभी ख़राब नहीं होते। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको काफ़ी पसंद आइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।